डेरा डाला है। ये समर्थक नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के रहने वाले हैं। प्रदर्शनकारी समर्थक पूर्व विधायक उदय नारायण उर्फ भोला बाबू को एमएलसी बनाने की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम तेजस्वी यादव नहीं भोला बाबू को नेता मानते हैं, अगर उनको एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, तो ये कहा गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें, हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने मौके से जायजा लिया, देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आया। राघोपुर से मतलब अगर तेजस्वी जी बात नहीं मानते हैं। नहीं बात मानेंगे तो समझेंगे, आएंगे राघोपुर में, आएंगे राघोपुर में, क्या होगा ना मांगेंगे तो आएंगे ना, विधानसभा चुनाव है ना, आएंगे तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर, वहां के लोग आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, इन लोगों की मांग है, कुछ कहना चाहते हैं। वहां पे जो एक भोला बाबू करके जो नेता है राजद के, उनके समर्थन में आए कि उनको एमएलसी बनाया जाना चाहिए। 3 सीटें अभी जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर अभी जो नामांकन का सिलसिला चल रहा है वो चल रहा है। और आप लोग क्या एक दबाव की रणनीति के तहत आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर दबाव की रणनीति के तहत नहीं आए हम लोग, जो है कि कल भी जो है कि भोला बाबू से मिले थे और हम लोग जो अभी एमएलसी का जो सर चुनाव होना है उसके लिए हम लोग भोला बाबू से बात किए कि क्या इस बार जो है कि आपको एमएलसी का जो चुनाव है उसमें नाम है कि नहीं, तो बोले कि हम लोगों का जानकारी नहीं है। तो हम लोग जो है कि कल उनके आवास पर जाकर के सभी लोग जो है कि बैठक किए और बैठक करके हम लोग ने टोटल लोग भोला बाबू आए कि नहीं। देखिए भोला बाबू हम लोग तो कार्यकर्ता है ना, हम लोग तो सर से ना पूछेंगे, तेजस्वी जी से ना पूछेंगे। आप लोग आए हैं 8 बजे से, कोई अंदर से वो हुआ? अभी तक के हम लोग ने लिख करके दिए हैं, किसी तरह का कोई सूचना नहीं हुआ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सुबह से भूखे आए हैं यहाँ पर और हम लोग जो है कि काफी जाम भी था और हम लोग सभी लोग आए, अभी तक किसी तरह का जो है कि अभी सूचना नहीं मिला है। अच्छा सूचना नहीं मिला, क्या लगता है कि न्याय होगा आपके नेता? बिल्कुल होगा, हम लोग न्याय के लिए ही आए हैं और उनको मानना होगा जिस मांग के लिए हम लोग आए हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग भोला दबाव नहीं मनाएगी, दबाव डालने आप लोग आ रहे हैं? दबाव डालने नहीं आए, दबाव क्यों, हम लोग उनका नेतृत्व में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है। अच्छा ये बताइए कि ये इतने बड़ा संख्या में आप लोग यहाँ पे हैं और अभी अंदर से कोई सूचना नहीं? नहीं अभी कोई सूचना नहीं आया, मिलेगा, हम लोग का विश्वास है कि सूचना मिलेगा, इसके लिए खड़े हैं। राजद अभी बना है, भोला बाबू और यही नेता इनके हैं, अगर उनके साथ न्याय नहीं होता, उनको विधान परिषद में एमएलसी नहीं बनाया जाता है, तब ये लोग जो है कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि लगभग 3 घंटे बीत चुका है, अभी तक जो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सूचना इन लोगों तक नहीं आई है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने राघोपुर के आरजेडी कार्यकर्ता की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि एमएलसी के लिए आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करेगा, इतना जितने सारे लोग इतनी संख्या में यहां पर आए हैं इनकी मांगों को खारिज कर दिया गया है शिवचंद्र राम की तरफ से। उन्होंने प्रदर्शनकारी जितने भी समर्थक हैं उनकी जो मांग उनके सामने रखी गई थी उसको खारिज किया। उन्होंने कहा कि आलाकमान तय करेगा उम्मीदवार कौन होगा राघोपुर से। शिवचंद्र राम ने साफ सीधे तौर पर यह कह दिया कि इनकी मांगों को खारिज किया जाता है, आलाकमान पर छोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का मामला है, पार्टी का मामला है, पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है क्या करती है उसका बात। अब वो तो कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, हम तेजस्वी यादव नहीं भोला बाबू भी जानते हैं। हमारा कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व मामला।